आज की चौपाल हम लोग हर संडे को एक चौपाल करते हैं। इस चौपाल में हम लोग डिस्कशन करते हैं हमारे समाज से जुड़े हुए बहुत सारी चीजों का, हमारी लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों का, राइट। तो अभी हमने आज के संडे जो हमारा डिस्कशन है वो डिस्कशन है इस अखबार को लेकर। ये जो अखबार है इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस पूरे अखबार में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्या चीज है, क्या है रजनीगंधा, राइट। इसके फ्रंट पेज पे एक एडवर्टीजमेंट है रजनीगंधा क्या चीज है, पान मसाला। और बस पान मसाला किस काम आता है, ठीक है। रजनीगंधा आपने देखा होगा कई दुकानों पे बिकता है, रजनीगंधा एक पान मसाला है। ये एडवर्टीजमेंट पैसे देके खर्च किया गया है, टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे बहुत पैसे लगते हैं एडवर्टीजमेंट देने में, राइट। ये मतलब ये एडिशन का मतलब होता है कि फ्रंट पेज का मतलब ये ऑल इंडिया में जहां जहां पर संडे टाइम्स किया होगा पूरे हिंदुस्तान में वहां पर ये फ्रंट पेज पे रजनीगंधा दिया होगा, राइट। रजनीगंधा का ये एडवर्टीजमेंट इन्होंने क्यों दिया है, क्योंकि हम उसे खाएं अट्रैक्ट हो, राइट। सो अब इस पे ही हम समझते हैं, राइट। अब ये रजनीगंधा आप जानते हैं रजनीगंधा ग्रुप क्या है, इतना बड़ा ग्रुप है, और ये पान मसाले का एड है जो फ्रंट पेज के टाइम्स ऑफ इंडिया में है। हम लोग बात कर रहे थे सतयुग की और कलयुग की, रजनीगंधा पान मसाला। पान मसाले से क्या होता है आपको मालूम है, क्या होता है, कैंसर होता है, राइट। पान मसाले से कैंसर होता है, लेकिन ये पान मसाला फ्रंट पेज पे दिख रहा है। हमने आपको कहा था कि हमारी लाइफ में अच्छी और बुरी चीजें सामने आएंगी, ये हमें समझना है कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। लेकिन आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, आपको लेयर करने के लिए क्या होगा, टेलीविजन के माध्यम से आपके सामने कोई ऐसा सीरियल आएगा जो आप अट्रैक्ट हो जाओगे उसकी तरफ, आपके सामने कोई व्हाट्सएप ग्रुप आएगा आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे, आपके सामने कोई गेम आएगा आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे, और बहुत सारा टाइम आप उसमें इन्वेस्ट कर दोगे, आप अपना लगा दोगे। आज हम लोग इस बात को पहले पूरे और आखिर तक समझेंगे, आखिर ये गुटखा कंपनी या पान मसाला बनाने वाली कंपनी क्या होती है और इससे क्या लाभ होता है। इससे एक बात तो है कि पान मसाला और गुटखा खाने से कैंसर होता है, इंडिया में बहुत सारे लोग पान मसाला और गुटखा खाने की वजह से हर साल एक्सपायर हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। अब ये देखते हैं जो पान मसाला बनाते हैं उनके घर कैसे हैं, वो लोग की लाइफ स्टाइल कैसी है, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, ये तो वो वीडियो कह रहे हैं जिन लोगों ने वो बनाया उनके पान मसाला वालों के घर को, राइट। अब हम घर देखना चाहते हैं, सीधे वहीं चलेंगे सीधे उन्हीं के घर पे, ओके। घर कितना अच्छा लगा, ऐसा घर है हमारे पास में, ऐसा घर नहीं है, क्योंकि अलग अलग हम बिजनेस भी करते हैं और इतना मुनाफा नहीं होता। इसे कहते हैं पान मसाला की कंपनी जो गुटखा खा के लोग कैंसर के से पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन वो गुटखा खाना नहीं छोड़ते, लत होती है, राइट। उनको हर रोज चाहिए होता है, आपने पान मसाला मार्केट में डाल दिया, लाखों लोग मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके घर में सोना लगा हुआ है,
आपके घर में सोने जैसा घर बना हुआ है, तो कहीं तो सोचना पड़ेगा कि कुछ तो गलत है और कुछ सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं आपको खाली एक सिचुएशन दे रहा हूं कि हमारे इस समय में, चूंकि ये युग कहा जाता है कि ये युग कौन सा युग है, कलयुग, तो इस कलयुग में हमें हर चीज को बैलेंस करके, रैशनलाइज करके, सही से समझ के चलना है। ये हमारे बुद्धि और विवेक के ऊपर है, हम क्या सही है और क्या गलत है हमें समझना पड़ेगा। हमको किसी एडवर्टीजमेंट के अट्रैक्शन में नहीं आना, हमको किसी फिल्म स्टार के अट्रैक्शन में नहीं आना कि वो शाहरुख खान या अजय देवगन वो ऐड कर रहा है विमल पान मसाले का, तो हम भी विमल पान मसाला खाएंगे, क्योंकि आज आप छोटे हो, ये बात सही है, लेकिन आने वाले टाइम में आप बड़े हो गए, पान मसाला अब से नहीं, उन 20 साल 25 साल 30 साल पहले से चल रहा है, जब मैं भी छोटा था और मेरे सामने भी जब ये था कि अभी तो मैं छोटा हूँ, थोड़ा पान मसाला खा सकता हूँ, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे ही दोस्तों ने आके मुझसे कहा कि सैंडी ये प्लीज एक 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 बाइट इसकी भी लेकर देखना, बड़ा मजा आता है, एक बाइट इसकी लेकर देख, बड़ा मजा आता है। ये मेरे दोस्तों के स्टेटमेंट थे और उन स्टेटमेंट से मेरे को अट्रैक्शन हुआ। एक दो बारी मैंने कोशिश करी खाने की, धीरे धीरे करके उस टाइम पे अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैंने एक्टिव किया और पान मसाले से अपने आप को बिल्कुल अलग करा, और आज की डेट में मैं पान मसाला नहीं खाता कभी भी, राइट। इतना बड़ा होने के बाद भी पान मसाले का जो बीच का अट्रैक्शन था, जो मेरे पे बीच बीच में आ रहा था, इधर से बहुत सारे लोग जो लाइफ स्टाइल समझते थे पान मसाला खाने पर अपने आप को, वो दोस्त भी मेरे दोस्त आज नहीं है, वो चले गए दूर कहीं चले गए, बट मैंने पान मसाला नहीं खाया। बहुत सारे दोस्त आए लेकिन पान मसाला नहीं खाया, वो खाते थे मैंने नहीं खाया। एंड इवेंचुअली मैंने उन दोस्तों को जो 10 साल 15 साल जिन्होंने रोज पान मसाला खाते थे, उनको देखा अपनी आंखों से, उन्हें कैंसर हो गया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो कैंसर से फाइट कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं छोड़ने की, वो छोड़ नहीं पाते। सो ये जो आज की हमारी चौपाल थी उसपे इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये था, हमारी लाइफ में रोज ऐसा होगा, यहाँ पर कोई भगवान आके नहीं बताएंगे कि ये गलत है ये सही है, हमें खुद अपने अंदर के भगवान को जगा लेना, अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है, तभी हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या सही और गलत है। आज जब टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे रजनीगंधा को देखा तो मुझे लगा कि इसको एक चर्चा का विषय बनाना चाहिए और कम से कम ये सही और गलत का पैमाना हमें तय करना चाहिए, और ये हमें खुद से समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज हमारे सामने आ रही है वो सही है, राइट। अब हम आगे कुछ इसी से जुड़े हुए कॉमर्शियल्स देखते हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट देखते हैं जो हमको लेवर करते हैं, हमको अट्रैक्ट करते हैं, राइट। संतूर मीठा बांध, अरे अभी भी ये तो संतूर मीठा बांध दिया, खाओगी तो जानोगी यही असली मीठा पान है बहन। और राजा साहब आपके लिए एक और स्पेशल चीज संतूर सादा पान मसाला स्वादिष्ट। सो ये एड देखने के बाद एक नॉर्मल कॉमन मैन जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो ये लगेगा कि उसे खाना चाहिए, हाँ या ना? है ना, क्योंकि उस बेचारे ने वो इस तरीके की क्लासेस तो अटेंड नहीं करी, कोई आके बताता नहीं है, और मम्मी पापा भी कहाँ इतनी टाइम नहीं है बताने के, जब तक
लत लग जाती है। जब तक मम्मी पापा बैठ के क्लासेस लें कि देखो गुटखा ये होता है, ये अट्रैक्ट करते हैं, इतनी थोरोली क्लासेस थोड़ी ना होती हैं। बस गुस्से में कह देते हैं कभी पान मसाला नहीं खाना चाहिए। अरे उसके पीछे रीजन क्या है ये तो पता चले। और हमारा दिमाग तो वही काम करता है जब हमें रीजन मालूम हो, तभी हम उस बात को सही और गलत माप पाएंगे। कोई जबरदस्ती कहते ये काम नहीं करो तो हम वो काम जरूर करते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था कि कितना भी मम्मी ने कहा होगा बिजली के तार को मत जाना, हाथ मत लगाना, उसके बाद भी हमने करंट में हाथ लगा ही लिया है ना। हाँ कुछ कह रहे थे प्रांजल आप। यस, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बात को कहा है कि जो चीज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसकी एक चेतावनी जरूर दे दो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट चाहती है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि क्या गलत और क्या सही है। हाँ आप बताओ प्रेवत्सला कुछ कह रही हो। सर जब वो गवर्नमेंट ने बोला है कि चेतावनी एक कोर्ट क्यों नहीं उसको बैन करना चाहती है, आप ये कहना चाहती हो। देखो ये एक पॉइंट ऐसा है कि जैसे गवर्नमेंट ये जानती है कि जो भी ये पान मसाला है तो 18 साल के बड़े लोगों के लिए है, या सिगरेट 18 साल के बड़े लोगों के लिए है, छोटे बच्चों को सिगरेट नहीं देनी चाहिए, सबको बोला हुआ है, ये हमारा लॉ बना हुआ है। लेकिन लॉ कहाँ कितने लोग फॉलो करते हैं इसका पता नहीं। इसलिए आपको अपने बुद्धि विवेक को एक्टिव रखना होगा कि आपको कोई बताने नहीं आएगा। आपको ध्यान रखना होगा कि आप कोई भी स्टेप आगे लेंगे तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, इसलिए वो वार्निंग दे रखी है। बिकॉज हम एक ऐसे वर्ल्ड में हैं, एक जो लिबरेटेड वर्ल्ड कहा जाता है, जिसमें इंसान अपनी इच्छाओं से कुछ भी बहुत सारी चीजें कर सकता है, लेकिन उसकी गलत चीजों की जो सीमाएं हैं वो क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, तो ये बात मेंशन कर दी जाती है। लिकर इज इंजरियस टू हेल्थ, पान मसाला चुइंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ये हमको समझना है। नॉर्मली इतनी इसकी क्लासेस नहीं होती, ऐसे क्लासेस नहीं होती जिससे ये लोगों को पता चले, बच्चों को पता चले। एक दिन वो बड़े होंगे, एक दिन उनका साथी आके कहेगा अरे पान मसाला खा के देख बड़ा मजा आता है ना, इससे एक्टिवनेस रहती है। वो अपनी अपने सॉल्यूशंस देगा, अपनी बातें करेगा, अपने साइंटिफिक रीजंस देगा। और उस बात को हम कभी कभी मान लेते हैं, कभी कभी नहीं हमेशा मान लेते हैं, अक्सर मान लेते हैं क्योंकि हमारा दोस्त कह रहा है। हमारा दुश्मन तो आके कहेगा नहीं पान मसाला खा ले, दोस्त ही कहता है जो हमारे करीबी होता है, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखेंगे इसमें कि इसके हमारे जो अगर हम कंजम्पशन करते हैं लॉन्ग रन में तो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, राइट। इतना ही नहीं, गुटखे में कील भी कच्चे के स्थान पर सस्ता
ये तो मैंने आपको आज के टाइम्स ऑफ इंडिया से कनेक्ट किया कि आज का टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है। इस रजनी गंधा पान मसाले का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि लड़का आईएएस में पास हो जाए, ये आईआईटी कर ले। जो बच्चे इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं उनके घर उनके दुकानों पे वहां पर ये नहीं मिल रहा होगा। इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं लेकिन गुटखा खा के बैठ के ट्रम्पट राउंड लाइक दिस दे डूइंग, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि रिपरकशन क्या है। आईआईटी में सिलेक्ट हो जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, इंजीनियर बनने के बाद भी उनकी लाइफ में एक चीज कंटिन्यू रहेगी, दैट इज गुटखा, जो कि आने वाले टाइम में जब करियर के वो पीक पे होंगे तो उसी टाइम पर अस्पतालों में विजिट कर रहे होंगे कि किसी तरीके से मेरे को बचा लो। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना कि ये कितना डेडली और डेंजरस है। किसी के चबाने से उसका हाल क्या हुआ है, एक छोटा सा वीडियो और मैं दिखा रहा हूँ। यस टेल मी। Why you are not using it? So because like these people you watch sometimes the advertisements that they give, the things like they do not work properly. Like the watch that I bought has only means it has not any feature instead of showing time and not doing anything. Oh, so that time. Means it was just and a matter of advertisement. They lured you to, they attracted you to buy this product, and when you actually found that product, it was all missing, whatever commitment they have made. So similarly, it is not a watch, it is just a pan masala. So what is that commitment? It has a kesar in it, it has a elaichi in it, it has this, blah blah blah, nothing is there. It is just chemicals, and chemicals can cause cancer. So ye badi important hai. So again, the basic fundamental is India is again has been rated one of the most corrupt countries of the world. अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये corruption direct corruption की form में नहीं है. It is in an indirect form. It is in a form of a food, right? It is in a form of a television advertisement. It is in a form of different forms. Corruption is abreast of us. Corruption is in surrounding in a different form. So we need to understand that form. जैसे अभी इस खाली पान पराग की पान मसाले की form को हमने समझा कि ये क्या है? It is again a form of the same thing because it causes cancer. And अगर ये बात सबको मालूम है, आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज आपकी लाइफ में एक चीज तो क्लियर हो गई कि आप पान मसाला आगे लाइफ में नहीं खाओगे. खाने से पहले आपका माइंड कहेगा हेलो भैया याद नहीं है, वीडियो देखी थी याद है एक सेशन किया था है ना. तो नॉर्मली स्कूल्स में भी ऐसे सेशंस नहीं हो पाते बिकॉज़ उनके अपने कोर्स खत्म कराने में ही लगे रहते हैं बेचारे. सो ये बहुत जरूरी था, राइट?